नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। ये जो सत्र है वो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ, चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है। बाकी की डिटेल्स जो हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते चले जाएंगे। मिस्टर सुशील कुमार जी, पीजीटी हिस्ट्री, जो कि KB नंबर 1 आसनसोल कोलकाता रीजन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। सुशील जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। आई थिंक देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू ज़रूर आ रहा है। चलिए जब तक हम सुशील जी को सुन पाएँ मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, देखें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, 8800-440-559, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। इस पर आप ज़रूर कॉल करके पूछें, सब्जेक्ट वाइज जो भी आपकी समस्याएं हैं उन कोशिश करेंगे कि उनको हम एक्सपर्ट के सामने लेकर जाएं, उनसे उनके उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप घर पर रहकर भी स्कूल को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे कि यस पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई बिल्कुल करनी है घर पर ही रहकर। साथ में आप अपने प्रश्नों को मेल कर सकते हैं dts.class9@cit.nic.in पर, ये है हमारा ऑफिशियल मेल आईडी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट। और आज हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके और भी क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सुशील जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार सर। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, करेला एक तो नीम चढ़ा, दोनों बातें इकट्ठी हैं। पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस पर भी हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। चलिए इस सेशन को आप किस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, सारा समय आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, सुशील कुमार, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया, पीजीटी हिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय आसनसोल। बच्चों जैसे कि अभी सर ने बताया, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, थोड़ा सा मतलब में थोड़ा सा फर्क आ गया। एज धर्मेंद्र जी हैज सेड, एज द टाइटल इटसेल्फ सेज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज मीन्स हमें यहां ये देखना है पॉवर्टी किस तरीके से हमारे देश के लिए एक चैलेंज है। बच्चों हमने पहले भी बात की थी, जब क्लास 10th का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जब हमने किया था, उस समय बताया था कि क्लास 10th में इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट इज ए बिहेवियरल सब्जेक्ट फॉर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स, जहां पे हमें इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में समझना है। सो आइए हम शुरू करते हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे हमने कुछ पिक्चर्स रखे हैं, इन पिक्चर्स को एक बार गौर से देखिए। और मुझे लगता है इन पिक्चर्स के साथ साथ ऐसे कई सारे पिक्चर्स आपके माइंड में निश्चित रूप से घूम रही होंगी। सो सबसे पहले इन पिक्चर्स को देखने के बाद हमारे जेहन में व्हाट कम्स इन अवर माइंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन पिक्चर को देखने के बाद हमारे माइंड में क्या आ रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए जब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं या जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व, Several children in our surroundings are without proper clothes and are malnourished. Many children are collecting garbages on the roads. आप देखिए अपने चारों ओर देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे आपको सड़कों पे कूड़े बीनते हुए नजर आएंगे। Hundreds of people are sleeping near the pavements or besides the road or on the railway stations. सड़कों पे, आपको सड़कों के किनारे, फुटपाथ पे, स्टेशन के आसपास आपको बहुत सारे लोग सोते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने घर होंगे, लेकिन अब जब उनके जिंदगी पे आप नजर दौड़ाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि उनके अपने घर होने के बावजूद ना तो वहां पे प्रॉपर हाइजीन की फैसिलिटी है, सैनिटेशन की फैसिलिटी है, और ना ही प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज है। इसके अलावा आप ऐसे भी दृश्य को देखे होंगे, ऐसे भी विजन आपके नजर में आए होंगे कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन परिवार के सारे लोग उस जमीन के टुकड़े पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जबकि प्रोडक्शन उन सबके लिए सफिशियंट नहीं है, फिर भी सारे लोग उस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस
इस तरह के ऐसे कई सारे और भी चीजें आपके इर्द गिर्द नजर आएंगी। और निश्चित रूप से जब ये चीजें आप जब इन दृश्यों जब ये दृश्य आपके आमने सामने से होके गुजरते होंगे, जब आप उनको देखते होंगे, तो आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते होंगे। लेट्स ट्राई टू सी किस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। हु आर दिस पीपल? निश्चित रूप से जब आप ऐसे दृश्य देखते होंगे तो आपके जेहन में आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आता होगा, हु आर दिस पीपल, व्हाई आर दे लिविंग इन दिस कंडीशंस, क्यों ऐसे कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ रहा है, व्हाई आर दे फोर्स टू वर्क इन सच ए कंडीशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, घर के सारे लोग इस पे काम में लगे हुए हैं, जबकि प्रोडक्शन इज नॉट सफिशियंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली। देन व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस कंडीशंस, आखिर इन परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं, इन परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट विल कम इन योर माइंड, इज दिस ए प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री और एट ग्लोबल लेवल, क्या ये समस्या केवल हमारे आसपास की है, क्या ये समस्या केवल हमारे देश की है, या ये समस्या ग्लोबल लेवल पे है और बर्निंग क्वेश्चन है, ये भी निश्चित रूप से हमारे मन में आ रहा होगा। और जब ये क्वेश्चन आता होगा तो एक क्वेश्चन और आता होगा इसके साथ साथ कि क्या आखिर सरकार इस विषय में कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, या ग्लोबल लेवल पे अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम कर रही है। बच्चों इन द नेक्स्ट टू सेशंस, एक आज का सेशन है और एक अगले वीक का एक सेशन आएगा, निश्चित रूप से मेरी पूरी प्रयास होगी कि हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू गेट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू। सो सर शुड बी प्रोसीड, सो लेट स्टार्ट, आइए हम शुरुआत करते हैं इन चीजों को समझने की। द सिचुएशंस दैट वी ऑफन ऑब्जर्व अराउंड अस एंड एज वी हैव डिस्कस्ड हियर इज नोन एज पॉवर्टी। अभी जो कुछ पिक्चर्स हमने देखे हैं, जो आप जब सड़कों से गुजरते हैं और अपने सराउंडिंग्स में जब देखते हैं ऐसे लोगों को, तो ये जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को पॉवर्टी कही जाती है। और वही लोग जो इन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं ऐसे लोग ही पुअर कहलाते हैं। देखिए सिचुएशंस को देखने और समझने के बावजूद पॉवर्टी किस दशा को जानने के बावजूद, गरीब कौन है ये जानने के बावजूद, मुझे लगता है हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉवर्टी किसे कहा जाता है। पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पीपुल हैव लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लॉदिंग, शेल्टर, ईटीसी बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू अफोर्ड देम। बच्चों इस चीज पे, इसके लास्ट वाले कॉलम लाइन पे आप ध्यान देंगे, निर्धनता या गरीबी या पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसानों के पास, मनुष्यों के पास जो बेसिक, जो बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जैसे अच्छा भोजन मिलना चाहिए हमें, हमें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, हमें गुड एजुकेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वी शुड हैव प्रॉपर क्लॉदिंग टू कवर आवर बॉडी, वी शुड हैव रूफ टू कवर आवर हेड, हमें शेल्टर की सुविधा होनी चाहिए। जो नहीं मिल पाता है, वो क्यों नहीं मिल पाता? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू अफोर्ड देम, क्योंकि हमारी जो है एबिलिटी नहीं हो पाती कि हम इन चीजों पे पैसे खर्च कर सकें। ऐसी दशा को ही पॉवर्टी कहा जाता है। नाउ लेट गो एट पॉवर्टी इन इंडिया। जैसे कि हमने बताया पॉवर्टी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसीलिए हम बेसिकली इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस भारत में निर्धनता की स्थिति को लेकर हो। बच्चों आज आप घर से बाहर निकले, आपको अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग, चारों तरफ पॉवर्टी के सिचुएशंस नजर आएंगे, सरकमस्टेंसेस नजर आएंगे। इनफैक्ट वी कैन से एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। हम यहां तक कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर चार में से हर चौथा व्यक्ति जो है, क्या है, हमारे देश में गरीब है।
बच्चों यहां तक सुनने में फिर भी कुछ कुछ हद तक ठीक लगता है कि एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, बट वेन वी कन्वर्ट दिस परसेंटेज इन टू एब्सोल्यूट नंबर, दिस डाटा इज वेरी टेरिफिक। बच्चों दिस 25% मीन्स रफली 260 मिलियन, ऑलमोस्ट 26 करोड़ पीपुल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। हम इसीलिए कह रहे थे बच्चों कि जब इसे अब्सोल्यूट नंबर में बदलेंगे तो जो डाटा निकलेगा वो काफी टेरिफिक डाटा होगा। बच्चों दुनिया के ज्यादातर देशों में 26 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होगी और हमारे देश में आज भी 20 करोड़ से 26 करोड़ से ज्यादा लोग जो है निर्धन है, गरीब है। दुनिया में इट इज द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर। अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ जो गरीबों की संख्या है वो जो है दुनिया में लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर है। ये डाटा बताता है कि पॉवर्टी जो है कितना सीरियस चैलेंज है हमारे देश के लिए, और इसीलिए एनसीईआरटी ने भी इस चीज को समझा, अपनी पुस्तक में इसे स्थान दिया। साथ ही साथ हर एक खुले मंच पे पॉवर्टी को लेकर डिस्कशन चलता है, कई सारी कमिटीज बनाई गई हैं, हर एक कमिटीज की अपनी रिपोर्ट आती है, और मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पे एक ओपन डिस्कशन करने की आवश्यकता है। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी क्या शहरों में भी है, क्या पॉवर्टी गांव में भी है? अगर शहरों में पॉवर्टी है तो वो क्या कंडीशन होता है, गांव में पॉवर्टी है तो वो क्या स्थिति होती है? और इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत के लिए हमने पॉवर्टी के दो एग्जांपल्स लिए हैं, वन फ्रॉम द अर्बन एरियाज एंड सेकेंड एग्जाम्पलर इज टेकन फ्रॉम द रूरल एरियाज। और दोनों एग्जाम्पल्स को देखकर हम पॉवर्टी की स्थिति को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों दिस द फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द अर्बन एरिया। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक फैमिली की पिक्चर है, उसमें आप देखते होंगे एक व्यक्ति है जो एक ट्रक से जो है माल ढोने का काम कर रहा है, सामान ढोने का काम कर रहा है। एक लेडीज दिखाई पड़ रही है जो डिफरेंट घरों में काम करते हुए दिखाई दे रही है। एक छोटा बच्चा है जो एक टी स्टॉल में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक लड़की है वो जो दो छोटे बच्चों के साथ साथ है। आइए हम इस केस को समझते हैं, देखते हैं किस केस में किस तरह की गरीबी भी छिपी हुई है। बच्चों ये कहानी है राम शरण नाम के एक व्यक्ति का जो मुख्य रूप से झारखंड का रहने वाला है, और झारखंड के राजधानी रांची में वो एक मिल में काम करता है जहां पे इसकी आमदनी वेयर ही अर्न्स ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज ए मंथ। और ये जो 5,000 रुपया कमा रहा है एक्चुअली यहाँ पे जो इसको एम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉयमेंट उसको रेगुलरली नहीं मिलती। महीने के कई सारे दिन ऐसे होते हैं जहां उसे कोई काम नहीं मिल पाता। जो ये इनकम 5,000 रुपीज आज की स्थिति में कमा रहा है इट इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ सिक्स। इसके घर में कुल 6 मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं, रामचरण खुद है, उनकी पत्नी है, और ये जो 5,000 रुपीज की जो आमदनी है वो सभी 6 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा उसी आमदनी का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा अपने पेरेंट्स को भी भेजना पड़ता है जो रांची के से कुछ दूर रामगढ़ नाम के एक जगह पे छोटे से गांव में रहते हैं। रामचरण शहर में रहता है, शहर में मजदूरी करता है, तो वहां रहने के लिए उसने एक छोटा सा कमरा ले रखा है जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है। और ये जो शहर जो घर ले भी रखा है उसे शहर से बाहर लेना पड़ा है, आउटस्कर्ट्स ऑफ दी सिटी में रहना पड़ रहा है। रामचरण की आमदनी हमने जैसे कि देखा उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। हिज इनकम इज नॉट इनफ फॉर द इंटायर फैमिली, दैट्स व्हाई हिज वाइफ शांता देवी आल्सो वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेस एंड अर्न अनदर ₹2,000 टू सप्लीमेंट हिज हस्बैंड। इन दोनों की आमदनी के बावजूद दिक्कतें इतनी है कि किसी तरह मुश्किल से 2 टाइम का जो भोजन है दाल और चावल को भी पूरा कर पाने में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और यही कारण है कि उसका जो बेटा है, बड़ा बेटा है, उसे भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सप्लीमेंट इनकम के लिए उसे भी एक चाय की दुकान में काम करना पड़ता है जहां उसे लगभग 1,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। अब माँ पिता और
बड़ा भाई तीनों को काम करना पड़ रहा है ताकि परिवार की आमदनी पूरी हो सके। ऐसे में घर में तीन बच्चे और हो जाते रहते हैं। बड़ी लड़की जो है जो जो रेस्ट दो छोटे बच्चे हैं उनका देखभाल करने का काम करती है। एंड एज ए रिजल्ट नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। इवन दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर क्लोथिंग, उनके पास अपने कपड़े नहीं है, नए कपड़े जूते इनके लिए लग्जरियस आइटम है। यही नहीं, दे डोंट हैव हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू, उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल ऑफ ए रूरल केस, एक ग्रामीण क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों खेतों में काम कर रहे हैं। इनकी क्या परिस्थितियां हैं इन पे हम चर्चा करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ लाखा सिंह। ही इज लिविंग इन ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के आसपास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। लाखा सिंह इज ए लैंडलेस लेबरर। लाखा सिंह या उनके परिवार में उनकी अपनी जमीनें नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरों की जमीनों पे काम करना पड़ता है। एंड एज वी ऑल नो एग्रीकल्चर इज ए सीजनल वर्क, दैट्स व्हाई हिज इनकम इज नॉट रेगुलर। इनका वर्क क्या होता है, इरेटिक होता है, इसी तरह इनका इनकम भी क्या है, इरेटिक है। इनको किसी तरह दिन भर का काम करने के बाद, ये डाटा बच्चों थोड़ा सा पुराना है, अब आज की डेट में लगभग 200 से 300 रुपए रोज का काम करने पे उन्हें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों महंगाई है हर एक चीज का, जो डेली लिवलीहुड के आइटम्स की जो अब आवश्यकता है, जिस तरीके से महंगी हो रही है, उससे ये उनकी आमदनी भी पर्याप्त नहीं हो पाती। बड़े मुश्किल से किसी भी तरह से वो 2 स्क्वायर मील्स ए डे उनको पूरा कर पाने में बहुत मुश्किल होता है। लाखा जो है वो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के उन्हें रहने के लिए मजबूर होना होता है। जो घर की महिला है उन्हें भी छोटे मोटे इस तरह से काम करना पड़ता है, जंगलों से जो है चारा इकट्ठा करना पड़ता है, ईंधन के लिए जो फ्यूल वुड के लिए जो है फायर वुड कलेक्ट करना पड़ता है। उसके फादर जो है एक टीबी पेशेंट है, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाई। इसकी जो माँ है लाखा सिंह की, वो भी इसी तरह के डिजीज से गुजर रही हैं। हालांकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन ना तो लाखा कभी जा पाया और ना तो वो अपने बच्चों को भी उन स्कूलों में भेजने के लिए स्थिति में है। 10 साल की उम्र से ही लाखा को काम करने के लिए तैयार होना पड़ा। लाखा सिंह के परिवार में भी नए कपड़े, सोप, ऑयल जैसी चीजें लग्जरी आइटम मानी जाती हैं। हमने ये 2 स्थितियां बताई, गरीबी की, एक शहरी क्षेत्र की, अर्बन एरिया की। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम रूरल एरियाज। नाउ व्हाट डज दिस 2 स्टोरीज इलस्ट्रेट। हमने 2 एग्जाम्पल देखा और 2 एग्जाम्पल देखने के बाद निश्चित रूप से हमें, मुझे लगता है कि पॉवर्टी बड़े डिटेल से आपको समझ में आ गई होगी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? लैंडलेसनेस की स्थिति है, चाइल्ड लेबर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भूख से तड़पते रहते हैं, बेरोजगारी की स्थिति हो जाती है, स्वास्थ्य पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते और सर छुपाने के लिए प्रॉपर शेल्टर की भी कमी होती है। यही नहीं, पॉवर्टी की स्थिति में इलिटरेसी का भी सामना होता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता, पानी स्वच्छ पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती। What it means in both 2 conditions, either it is cities or it is villages, poor people having lack of basic means of livelihood, चाहे शहर में रहने वाले गरीब हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब हो, उन्हें basic means of livelihood भी पूरा नहीं हो पाता। Now, poverty as seen by social scientists. बच्चों, पॉवर्टी की स्थिति को देखने के लिए, उस पर समझने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कई सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जो इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और सोशल साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट जो हैं, पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरह के पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो इनकम कंजम्पशन लेवल के साथ साथ इलिटरेसी लेवल, माल लिटरेसी लेवल को भी शामिल करते हैं। और इसीलिए वो पॉवर्टी के लिए 2 तरह के
स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन एंड सेकेंड इज वल्नरेबिलिटी. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ दिस टर्म. सोशल एक्सक्लूजन क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है. बच्चों यू कैन सी ए हट हियर, और आप देखेंगे ये जो हट है, ये जो झोपड़ी है, उसके सराउंडिंग में कुछ भी, कोई भी घर मकान नहीं दिखेगा. बच्चों आप अपने आसपास जब नजर दौड़ाएंगे तो क्या देखेंगे, जो गरीबों के जो घर होते हैं वो शहर से बाहर होते हैं. स्लम्स, झुगी बस्तियां जो होती हैं वो शहरों से बाहर नजर आती हैं. वो जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके साथ उनको रहने का मौका नहीं मिल पाता. दिस इज नोन एज सोशल एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू. या सर, ओके. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. yani social exclusion ka matlab hai jo gareeb log hain unke sath aisi paristhitiyan hoti hain ki wo dusre gareebon ke sath hi rehne ke liye majboor hote hain. they are excluded from the excluded from the enjoying social equality of better of people in better surroundings. acche jagah pe rehne se vanchit rehte hain. acche logon ke sath rehne se ye log kya hote hain, वंचित होते हैं. सेकेंड इज वल्नरेबिलिटी. व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, अगर बच्चों सामान्य अर्थों में समझा जाए, वल्नरेबिलिटी मीन्स एक ऐसी स्थिति जिसमें हम अपनी स्थिति से फिलहाल उसको मुकाबला करने में, उसका सामना करने में सक्षम नहीं है. हम अभी अच्छी स्थिति में आने के लायक नहीं. आप देख सकते हैं मीन्स वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स of becoming or remaining poor in the coming years. यानी जो poor है अभी हाल फिलहाल के बरसों में उसकी स्थिति में सुधार आने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे बहुत सारे communities हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आने वाले समय में उनकी स्थिति अभी अच्छी नहीं हो सकती. मोटे तौर पर ऐसे लोग backward caste से belong करते हैं, widows की स्थिति होती है, physically handicapped जो होते हैं. These people are more vulnerable and not in a condition to cope with the poverty. They possess greater risk at the time of natural disasters, particularly during the natural disasters. ऐसे लोग बहुत बड़े रिस्क में रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत बड़े खतरे में रहती है. Now you can see हम vulnerable groups के बारे में एक डाटा, एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. There is a data of poverty in India. 2000 की डाटा है. इसमें मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है. आप देख सकते हैं एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है 26% है. और इसका जब हम कंपैरिजन डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटीज या ग्रुप से करते हैं तो क्या पाते हैं, कंपेयर टू 26% एवरेज पॉवर्टी, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो 43% शेड्यूल कास्ट पीपल आर वल्नरेबल ग्रुप्स. 47% आर रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 47% जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं. इसी तरह शहरों में 50% अर्बन कैजुअल लेबरर्स जो हैं दे आर वल्नरेबल, व्हाइल 51% शेड्यूल ट्राइब्स पीपल इन एंटायर इंडिया आर कमिंग इनटू द वल्नरेबल ग्रुप्स. सो आई थिंक टुडे हम लोगों ने पॉवर्टी से जुड़े कई सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा की है, और मुझे लगता है इस सेशन पे चर्चा के बाद जो बेसिक मीन्स हैं पॉवर्टी के, बेसिक जो टर्म्स हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक बार हम कंक्लूजन के एक सारांश के रूप में देखते हैं कि क्या क्या बच्चों ने आज सीखा होगा. पॉवर्टी क्या है ये बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी. पॉवर्टी एक सीरियस चैलेंज है हमारे देश के लिए. क्यों, हमने डाटा देखा कितना टेरिफिक डाटा है कि जहां दुनिया के ज्यादातर देशों की आबादी 25 करोड़ होगी नहीं, हमारे यहाँ अकेले गरीबों की संख्या जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा है. इससे ज्यादा सीरियस चैलेंज और क्या हो सकता है हमारे लिए. तीसरा, इज द पुअर पीपुल इन अर्बन एरियाज आर इन मच बेटर कंडीशंस देन दैट ऑफ द रूरल एरियाज. मुझे लगता है दोनों कंडीशन को देखने के बाद बच्चे इसका कंक्लूजन आसानी से निकाल लेंगे. देन व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, एंड एट लास्ट जो हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया दैट इज अबाउट वल्नरेबिलिटी. सो
दैट इज ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें प्रदान की, हमारे बच्चों को सिखाई। देखिए बहुत सारे सवाल ज़रूर हैं, उनके सवालों के एवज़ में कितने सारे काम किए गए हैं सरकार की तरफ से, भी अभी भी किए ही जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, थोड़ा सा तो अंतर ज़रूर देखा जा सकता है। यद्यपि यस, अभी भी बहुत जगह ऐसी है कि जहाँ पर इन समस्याओं से रोज़ दो चार होना पड़ता है, लेकिन कसम संकल्प तो हम यही खा सकते हैं कि यस, उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे डेफिनेटली सर, एक्चुअली सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही है, और हमारा एक exactly. एक पॉइंट था भी सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है। निश्चित रूप से फॉर दिस सेशन ओनली, एक्चुअली हम लोगों ने अभी बेसिक चीजें डिस्कस की है, नेक्स्ट सेशन में इस विषय पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और उस कुछ डाटा भी दिखाएंगे कि पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना बदलाव आया है। ऐसे भी कुछ डाटा हैं जो निश्चित रूप से बच्चों के डाउट्स को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सुशील जी, समय हमारे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जुड़ाव के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी जी, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज फ्राइडे है और आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन 4 बजे जो हमारे वेबिनार का सेशन होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो एक सीरीज चली जा रही है, आज भी हम उस पर बात करेंगे। आज बात करने का टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन गेमिंग सेफ्टी एंड पासवर्ड मैनेजमेंट। बहुत पते की बात आने वाली है, कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।